उसे ना मैंने वैल्यू सही नहीं लिखी, इतना ही हो गया 56 28 8। एक सेकेंड, टू एन माइनस टू आर प्लस टू, टू एन माइनस थ्री आर इक्वल टू माइनस टू, आर प्लस वन अपन 4 7 28 40 सेवन, 7 m माइनस 7 आर टू आर प्लस सेवन प्लस टू आएगा, मतलब तो ये आ गया आपका माइनस थ्री आर इक्वल टू माइनस 18। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 6। आर का वैल्यू 6 है। बेटा आ जाए तो फिर इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ। डेसिमल में एन और आर तो आपके पूरे ही हैं बेटा, इसमें दो वैल्यू निकालनी होती है ना, तो फिर मैं निकालता ही नहीं थी, मैं सिर्फ ऑप्शन में रख रख के देख लेता हूँ क्वेश्चन में, भाई ऑप्शन से ही आपका निकाल लेता। जैसे मेरे को एन भी निकालना होता और आर भी निकालना होता तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, फिर तो आपके दोनों आ जाते, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी जो भी है एनसीआर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एनसीआर इक्वल टू एन बाई आर मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन सी आर माइनस, एन बाई आर मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन सी आर माइनस। ये आपने यहां से एन और आर हटाया तो एक एक कम हो गया, जैसे फिर किसी ने बोला सर मैंने तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन भी हटा दिया, तो ये बचा एन माइनस टू सी आर माइनस, ऐसे चलता जाएगा, मतलब जितना हटाता जाओगे उतना बाहर आता जाएगा और ऊपर एक कम होता जाएगा, वहां पर एक कम होता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 8c5 क्या लिखूंगा, 8/5 मल्टीप्लाइड बाई 7c5, मेरे को 7c4 में से 7 और 4 भी कम करना, क्या लिखूंगा, बस ऐसे चलते जाए। तो ये प्रॉपर्टी है, वैसे इसका कोई यूज आपके है नहीं लेकिन कभी काम आए तो आप यूज कर सकते। तो ये तो प्रॉपर्टीज तो कंप्लीट हो गई बेटा, अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ना वो पूछेगा तो हम उसी हिसाब से करेंगे, अभी तो पूछेगा ही। पूजा मिस पूजा, उधर वाला भी रुको।
अब एक एक टाइप की प्रॉब्लम अपन लेना चालू कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। सबसे पहले टाइप की प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन करना, मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि यार सर हमें तो कंफ्यूजन होता है कि कॉम्बिनेशन कब लगाना है कॉम्बिनेशन कब लगाना, सिर्फ सिलेक्शन की बात हो तो कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन मतलब कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो, कुछ जनों को सिलेक्ट कर रहे हो, मैंने बोला 10 में से 4 जनों को सिलेक्ट करना है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम हाउ मेनी लिगो कोर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 12 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सर्कल। कोर्ड्स मतलब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए बेटा कितने पॉइंट की जरूरत होगी, 2 पॉइंट। तनिषा कितने पॉइंट की जरूरत होगी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, 2 पॉइंट। देखो इधर ये 12 पॉइंट है इस तरह से सर्कल पर, इस तरह के 12 पॉइंट है आपके, और कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ये कोड है इसके, तो नंबर ऑफ कोड्स कितनी हो गई भाई, 12 C2, तो 12 × 11 / 2 × 66, इतनी कोड्स की जरूरत होगी बनेगी। अब इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए सर्कल पर, ट्रायंगल बनाना है तो 3 आ जाएगा। जैसे मैंने बोल रहा हूँ हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 10 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सर्कल, कैन बी फॉर्म फ्रॉम 10 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सर्कल, 10 पॉइंट्स लाइंग ऑन सर्कल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10C3 की वैल्यू निकालना, देखना 120 होती है, 10C3 का वैल्यू 120। Yes, आ गया, क्वाड्रिलेटरल होगा तो 4 आ गया, तो पहली टाइप की प्रॉब्लम होगी। तो देयर आर टोटल 12 पर्संस इन अ पार्टी, देन फाइंड द नंबर ऑफ हैंडशेक्स, नंबर ऑफ हैंडशेक्स। यदि आपके 12 जने पार्टी में हैं, तो कितने हैं आप, कितनी तरीके से हाथ मिला सकते हैं, 12C2 66। तो आधा क्यों, क्या बोल रहा मेरे को समझ में, 132 C2 से आधा कर दिया, 12 × 11 132 डिवाइड बाय 2, अब वो कैसे भी याद रख लो वही से। जैसे अपन 5 जने मान लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, फिर मेरे कितना होंगे, 4, इसके कितना होंगे, 4 क्यों होंगे, 3 होंगे, मेरे से तो मिला लिया, इसके काउंट कर, बस आया 5C2 की वैल्यू आ गया। Number of diagonals in a polygon. This is equal to n − 3/2. Number of diagonals in a polygon. यदि हमें किसी भी पॉलीगन में number of diagonals निकालना है तो उसका formula आया कैसे, formula वो अभी बता देंगे, लेकिन n मल्टीप्लाइड बाय n − 3/2, n मल्टीप्लाइड बाय n − 3/2,
अब कैसे होगा ये समझो भाई, डायगनल आप इसका कंसेप्ट समझो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा ये फॉर्मूले से, फॉर्मूला तो भूल जाओगे। मैं बोला फॉर्मूला, फॉर्मूला पढ़ के जाओगे तो भूल जाओगे, मैं कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि पेंटागन, पेंटागन में कितनी साइड होती, तो बेटा टोटल लाइन बनेगी 5C2, बनेगी कि नहीं बनेगी, और 5 उसकी साइड है -5, बोलो कितना है, 5 डायगनल है, बस सिंपल सी। जितने भी साइडेड फिगर है उससे जितनी लाइन बन सकती है पहले उतनी निकालो, और उसमें से जितनी उसकी साइड है वो हटाओ, तो 5 साइडेड फिगर में 5 साइड होगी तो 5 -5 कर दो। तो ये ऐसा फिगर है पेंटागन जिसमें नंबर ऑफ डायगनल पूछा जा सकता है, विच फिगर हैज सेम नंबर ऑफ साइड हैज सेम नंबर ऑफ डायगनल्स, तो आंसर एक ही है, वो क्या है, डायगनल और पेंटागन। पेंटागन हैज जितनी साइड होती है उतनी नंबर ऑफ डायगनल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेंटागन ऐसा फिगर है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ डायगनल्स। फॉर्मूला मत याद रखो, मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट याद रखो, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ डायगनल्स, और वो फिगर है आपका पेंटागन। जैसे मैंने आपसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ डायगनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ डायगनल्स इन 14 साइडेड फिगर, 14 साइडेड पॉलीगन, तो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला तो देखना ही नहीं है आपको, 14C2 - 14, इससे इजी कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला याद करोगे भूल जाओगे, 14C2 लाइन बनी थी उसमें से 14 माइनस कर दो, 14C2 की वैल्यू 91 माइनस 14 कितना आ गया 74। क्लियर, लिख लीजिए कनक तनिषा, क्लियर है? यस सर। तो डायगनल वाले कर लेंगे, उल्टा भी पूछा जा सकता है, इफ देयर आर नाइनटी डायगनल्स इन अ पॉलीगन, इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड, एन साइड फाइंड इट, यदि किसी पॉलीगन में 90 डायगनल्स हैं तो एन की वैल्यू क्या होगी। भाई चार ऑप्शन गिवन होंगे, जैसे आपसे वो ऑप्शन दे दिए मैंने 13, 14, 15, 16, सबके निकाल निकाल के देख लेना जल्दी निकल जाएगा। 13 के होंगे 13 × 6 = 78 - 13 = 65, 14 का निकाल ही लिया 77, 15 का 15 × 7 = 105 - 15, तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 15, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन ये आपका। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन सर्कल्स, n × n-1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन सर्कल्स
ये क्या बोलना चाह रहा पहले ये समझ लो। जैसे ये तीन सर्कल है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, काउंट करो, ये छह पॉइंट आ गया। कितने तीन सर्कल का मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, सिक्स। कैसा आया, थ्री इंटू टू। जैसे दस सर्कल है तो दस का मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, नाइन। और आ चुका है ये प्रॉब्लम, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा एन सर्कल्स का, एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस। और ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था उस समय भी कि ट्रेन कोटा से चालू हो रही है और कोटा से जयपुर तक 10 स्टेशन, तो किसी पर्सन को कितने टिकट लेने पड़ेंगे कि वो सारे जगह पे जा सकता है, कहीं से भी कहीं पे भी। 10 स्टेशन है टोटल कोटा से जयपुर तक, तो वो कितने टिकट खरीदे कि वो सभी स्टेशन पे जा सके, 9 to 10 into। अब ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन समझाता हूँ। कोटा से चला तो कोटा के आगे कितने स्टेशन है, 9, तो वो 9 अलग अलग क्या लेने पड़ेंगे उसको टिकट। फिर कोटा के बाद सपोज वो गुडला चला गया, फॉर एग्जाम्पल केशवराय पाटन चला गया, केशवराय पाटन से कितने टिकट लेना पड़ेगा यदि कोटा आता तो, 1 इधर और 8 उधर, तो फिर वापस उसको कितने लेने पड़ेंगे, 9। फिर ऐसे चलता गया जयपुर गया तो जयपुर से कितने लेने पड़ेंगे, 9। तो ये 9 9 9 कितनी बार आ रहे, 10 बार, इसलिए 10 into 9। तो ये प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है कि भाई एक पूरी रेलवे लाइन पर 50 स्टेशन है, तो एक पर्सन कितने टिकट खरीदे कि वो कहीं से भी कहीं पर ट्रेवल कर सकता है। तो आंसर आएगा 50 × 14। आ गया समझ में। नेक्स्ट, हाउ मेनी 6 member committee can be formed with 5 gents and 4 ladies such that there will be at least two ladies। भाई कम से कम 2 ladies तो होनी चाहिए, और 6 member की कमेटी बनानी है। देखो 5 और 4 ladies, ये 5 gents 4 ladies, कम से कम कितनी देर लेडी, 2 ladies होगी तो कितने जेंट्स होंगे, 3 ladies होंगी तो, और 2 ladies और 4 ladies होंगी तो 2 gents। ये 3 cases बनेंगे बेटे, तो इसको कैसे लिखोगे, देखो 5C4 × 4C2 + 5C3 × 4C2 + 5C2 × 4C4। 5C4 की वैल्यू 5, 6, 5C4 3 की वैल्यू 10, 4, 5C2 की वैल्यू 10, 1, तो ये आ गया आपका 30 + 40 + 10, कितना आ गया, 60 से 80। कितनी कमेटी बनेगी भाई, 80 कमेटी बनेगी। आया, क्लियर है। 5C2 की वैल्यू 10 होती है, 5C3 की वैल्यू भी 10 होती है। 5C2 5 × 4 / 2 × 9, और 5C3 की वैल्यू भी 10 होती है। क्लियर। नेक्स्ट,
मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की आपको भेज दिया क्या? तेरे को बेटा दोबारा भेज देता हूँ, इसको करना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मैंने भेजी हुई है, एक बार दोबारा सेंड कर देता हूँ उसको। चलिए नेक्स्ट लिखो। देखो आउट ऑफ फोर जेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखना, आउट ऑफ फोर जेंट्स एंड सिक्स लेडीज, आउट ऑफ फोर जेंट्स एंड सिक्स लेडीज अ कमेटी इज टू बी फॉर्म, आउट ऑफ फोर जेंट्स एंड सिक्स लेडीज अ कमेटी इज टू बी फॉर्म, a committee is to be formed. Find the number of committee, find the number of committee such that, such that there will be at least two gents, there will be at least two gents and at least the number of gents and at least the number of ladies and at least the number of ladies should be double of gents, at least the number of ladies should be double of gents. Socho mein aao ab beta bol. अब देखो इसने क्या बोला है, इसने ये नहीं बोला कि कितने नंबर की कमेटी बनानी है, कितने मेंबर की कमेटी बनानी है, ये नहीं बोला। इसने पहली कंडीशन दे दी कि भाई कम से कम कितने जेंट्स होने चाहिए। तो देखो इधर समझना, कितने लेडीज है कितने जेंट्स हैं, सिक्स लेडीज, कम से कम कितनी लेडीज है, डबल होनी चाहिए और कम से कम दो जेंट्स भी होने चाहिए। तो बेटा दो जेंट्स होंगे तो चार लेडी होंगी, सुन लो, उसने बोला है कि कम से कम लेडीज डबल होनी चाहिए, कम से कम डबल होनी चाहिए, डबल से ज्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब दो जेंट्स हैं तो पांच लेडी भी हो सकती है। उसने क्या बोला, कम से कम डबल होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है, दो जेंट्स हैं तो छह लेडीज भी होनी चाहिए, और यदि तीन जेंट्स हैं छह लेडीज, डबल है ना, दो जेंट्स हैं तो डबल चार लेडीज, कम से कम डबल मतलब दो जेंट्स चार लेडीज, दो जेंट्स पांच लेडीज, दो जेंट्स और तीन जेंट्स, इससे आगे जाएगा आपका टोटल केस हो गया 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 64, 4C2 65, 4C2 66 और 4C3 66, 4C2 की वैल्यू 6, 64 की वैल्यू 15, 6 6 6 1 4
1 90 36 6 4. What is the total number of cases? 136. Clear? चलिए बाकी अब कल करें, बाकी कल करेंगे।